मध्य प्रदेश के चाचौड़ा थाना प्रभारी राम शर्मा ने छात्र छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य रूप से लगाएं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों से फिजिक्स विषय पर चर्चा की एवं बर्नौली थ्योरम समझाई। छात्रों को हिदायत दी, गुरुओं का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें, अनुशासन में रहे। चौकी प्रभारी राज बिहारी शर्मा ने बताया कि व्हाट्सएप फेसबुक का उपयोग कम करें, पढ़ाई में मन लगाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें एवं किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 100 नंबर पर कॉल करें एवं छात्राओं के लिए 1090 पर कॉल करें। श्री कृष्ण मेमोरियल स्कूल के संचालक श्री चंद्र कुमार यादव जी ने छात्रों को बताया कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करें। अगर छात्रों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आगे भविष्य में उनको नौकरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। श्री कृष्ण मेमोरियल स्कूल के समस्त स्टाफ उपस्थित थे। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। आपस में कोई बात हुई, आपस में लड़भेड़ लिए और वहीं आपस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ, आप लोगों पर कोई मामला पंजीबद्ध हुआ, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, तो फिर आगे आप नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा उचित आपको डरा नहीं है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें और दूसरे लोगों में जो अशिक्षित लोग हैं उनमें और हमने फिर अंतर क्या हुआ है। लेकिन किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है, चरित्र खराब होने से मतलब खराब तो पहले ही हो चुका है, तभी तो उसने लड़ाई की। अब चूंकि लड़ाई की तो कागजों पर चरित्र खराब हो गया, कागजों पर चरित्र खराब हुआ उसका असर क्या रहेगा। बड़े होशियार छात्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर अब उन्हें लड़ाई करने का मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को अपने में आत्मसात करें कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे हमारा करियर गांव का रहे। यानी कोई भी वाकई पुलिस कोई भी जॉब आप करने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।